Hey guys, I'm Rajesh from GB Review and आज मैं करने वाला हूँ इस FEY की तरफ से पावर बैंक जो कि पास है 200 mAh की उसके अनबॉक्सिंग एंड आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये पावर बैंक एंड मैंने अमेजोन से मंगाया है। हालांकि ये अमेजोन की ट्रांसपोर्ट कंपनी से नहीं आया है, इसलिए इस पर एक्सप्रेस ब्रिज के नाम देख पा रहे हैं। एक्सप्रेस ब्रिज कुरियर कंपनी से आया है और इसका जो प्राइस है वो है 499 rupees जो कि आपको अमेज़न में देखने को मिल जाएगा। तो ये ऐसा बक्सा में भेजा है, मैं जानता भी नहीं हूँ कि अंदर ईंट है, ईंट पत्थर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी के लिए भी है और यहाँ पर मेरा शिपिंग डिटेल्स दिया गया था जो कि मैं हाइड कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, पता नहीं अंदर क्या होगा। तो भाई इस नाइफ में ज्यादा धार भी नहीं है, बढ़िया पैकेजिंग है भाई, बढ़िया पैकेजिंग है एकदम, मतलब बजट रेंज के अंदर है। ये देख सकते हैं आप, इंटरफेस कैसा दिया गया है सामने की तरफ, इधर लिखा गया है कुछ, ओह ये तो उल्टा है। FEY देख पा रहे हैं आप कंपनी का नाम, पावर बैंक लिखा गया है विथ इनबिल्ट केबल। हाँ इनबिल्ट केबल भी है इसके अंदर, सबसे बेस्ट है, बेस्ट चॉइस, बेस्ट प्राइस है, सब कुछ लिखा गया है इसमें। यहाँ पर इजी ग्रिप डिज़ाइन, इन रिवर्सल कंफर्टेबिलिटी, इजी टू कैरी, सेफ टेक्नोलॉजी, इजी चार्जिंग, स्मूथ एज एंड इधर कुछ स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा गया है, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। तो इसको जल्दी से जल्दी अनबॉक्स करते हैं। पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छा है, 500 जस्ट 500 इसका प्राइस है, 500 भी नहीं, 499 बजट रेंज के अंदर एकदम। बढ़िया चीज़ लगता है इसके अंदर, लेकिन तो ये अलग से एक स्लिप है, ठीक है, स्लिप अलग से। तो ये रहा स्लिप कंटेंट एंड इंटरफेस। अभी इसको बादशाह ही तरीके से अनबॉक्स करते हैं। इधर से ऐसे खुलते हैं, हाँ। तो असली चीज़ अंदर है, मैं आपको पहले क्या क्या दिया गया दिखा दूँ। FEY की तरफ से कुछ मुझे थैंक्स कहा गया है जिसके लिए उन लोगों की ये परचेस किया, इसीलिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है उन लोगों की भलाई के लिए, मतलब मुझे समझाया गया कि कैसे फीडबैक देना है या फिर कैसे अच्छी अच्छी बातें बोलना है उनके बारे में, उसके लिए भी पैसा खर्च। और इधर कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं शायद। एंड इधर वारंटी कार्ड दिए गए जिसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो मुझे पता नहीं किसकी वारंटी है। इधर टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाई किया गया है बहुत सारा, ज़रा पढ़ लीजिए इसको। क्या है भाई, इधर एक केबल दिया गया है, बेसिक सा चार्जिंग केबल शायद। इधर अंदर और क्या है, और तो भाई कुछ भी नहीं है, उठा के देखता हूँ साले अंदर क्या क्या है। और अंदर सब कुछ और एम्प्टी है पर्सल है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ये है असली चीज़ पावर बैंक। ये जितना पावर बैंक का साइज़ और पावर बैंक को देखकर लगता है कि आधा पैसा तो इन लोगों ने बक्से और प्रिंटिंग के ले लिए है, इतने सारे कागज़ प्रिंटिंग और बक्से का देखिए। तो इधर सील है शायद कुछ किसी का, तो उसको इधर इसका सील दिया गया था, इसको मैं यही कहीं नहीं लगाऊंगा।
ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये असली कंटेंट पावर बैंक। एंड इधर कुछ लिखा गया है, देख सकते हैं आप, पावर बैंक 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का, एक है भाई तो शायद एक 5.1 वोल्ट का है। एक क्वेश्चन दे गए हैं और कुछ तो नहीं है। इधर है इंटरफेस जैसा, इधर एक केबल लगा हुआ है पावर बैंक के साथ, इधर एक पावर बैंक के साथ इंटरफेस। एंड ऐसे देख रहे हैं ये अपन, चार लाइट दिए गए, चार लाइट जो कि इंडिकेट करेगा कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है या फिर कितना परसेंट चार्ज बाकी है इसमें। और इधर ऊपर एक लाइट दिया गया है, शायद लाइट को मैं जला के देखता हूँ जलता है तो। लाइट तो नहीं जल रही है, पता नहीं कैसे जलेगी लाइट। ओह जल गई, चलो इसको बस दो बार प्रेस करने से ही हो जाता है। ओह नहीं नहीं एक बार प्रेस करना है, देखो लाइट। एंड इधर है इस पावर बैंक को चार्जिंग के पोर्ट, इधर है मोबाइल को चार्जिंग के पोर्ट। एंड इधर जो केबल दिया गया है उसको उठाने से भी आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मेरे मोबाइल को चार्ज करके देखते हैं कि चार्ज होता है कि नहीं। तो ये रहा मेरे मोबाइल, ठीक है। तो इसको देखता हूँ मैं सबसे पहले चार्ज होता है कि नहीं। चार्ज हो रही है भाई, लेकिन मेरे मोबाइल का 100% चार्ज है तो और चार्ज नहीं ले सकती है। और एक 5200 mAh की पावर बैंक है, तो ऊपर से भी देख लेते हैं एक बार कि चार्ज होती है कि नहीं। तो ये घुस गई ऊपर से भी, ऊपर से भी, तो देख लेते हैं। देखिए इसके में भी चार्ज चालू हो गई है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा पावर बैंक है, एंड मुझे लगता है कि ये दिखाता हूँ मैं अभी, बजट रेंज के अंदर अभी तक मेरे हिसाब से देखे हुए सबसे बेस्ट पावर बैंक है। मुझे पता नहीं कि अभी भी कि सर्विस कैसे देगा, लेकिन जैसा देख के लग रहा है कि बेस्ट पावर बैंक है और इतना कंफर्टेबल साइज है। इसके साथ मतलब ये भी इसके साथ अटैचेबल है जो कि एक USB 2.0 केबल, बहुत ही अच्छा पावर बैंक है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। अगर आप इस पावर बैंक को खरीदना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देता हूँ इस पावर बैंक का, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को दबा दो। एंड और भी ऐसी अनबॉक्सिंग आपको देखनी है हर रोज़, तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर दो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।